सबसे पहले आपको अपने शरीर का नाप लेना होगा। उसके लिए आपको चाहिए बड़ा सा कार्डबोर्ड जिसका साइज आपके ऊपरी शरीर जितना हो। आप पेंसिल की मदद से कुछ निशान लगा लीजिए। देखिए, पहले मैं लगाऊंगा अपने कमर पे, ठीक इस तरह। अब मेरी छाती की तरफ, यहाँ पर अब निशान लगाऊंगा कंधे और गर्दन के लिए। देखा, इसी तरह कार्डबोर्ड की दूसरी तरफ भी निशान लगा लीजिए। सारे निशानों को जोड़ने के बाद आपको मिलेगी कुछ इस तरह की एक आउटलाइन। देखा आपने, अब यहाँ पे रहेगी मेरी गर्दन, यहाँ पे मेरे हाथ और यहाँ बनेंगे मसल्स। तो चलिए देखते हैं हम आगे क्या करने वाले हैं। ड्रॉइंग से बनाए हुए शरीर के बीचों बीच एक खड़ी सीधी लाइन बनाइए, फिर ऊपर से कुछ जगह छोड़कर एक सोई हुई लाइन बनाइए और इस लाइन के ऊपरी हिस्से में दो अंडे जैसे सर्कल बनाइए। अब पेट के मसल्स बनाने के लिए इन पेक्टोरल मसल्स के नीचे छोटे सर्कल बनाते जाइए। ड्रॉइंग बन जाने के बाद ये कार्डबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। एक बार आप इसे काट लें, सबसे पहले छेद बना लें ताकि आप इसे आसानी से अपने कंधों पर टांग सकें। अगर एक बार हमने इस कार्डबोर्ड को पेंट कर दिया तो फिर छेद बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो छेद बनाने के लिए एक क्ले का टुकड़ा लीजिए और उसे इस कार्डबोर्ड के पीछे रखकर पेंसिल से छेद बना लीजिए। तो पेंसिल की मदद से इस तरह एक एक करके छेद बनाते जाइए जब तक कि वहां पे एक खांचा तैयार ना हो जाए। इसी तरह दूसरी तरफ भी खांचा बना लीजिए। अभी से इसमें रस्सी डालकर कंधों पे मत लटकाइए क्योंकि अभी बहुत सा काम बाकी है। अपने शरीर को सही आकार देने के लिए पेपर के गोले बना लें और उन्हें टेप की मदद से कार्डबोर्ड पर चिपका दें। ये पेपर के गोले आपकी मसल्स बनेंगे। टेप इस्तेमाल करने में कंजूसी मत कीजिए और बहुत सारी टेप लगाकर गोलों को अच्छे से कार्डबोर्ड पर चिपका दें। परफेक्ट। अब मैंने इसमें मोटा टेप लगाकर इसे और मजबूत बना दिया है, पर इसमें और मजबूती की जरूरत है और उसके लिए क्या करना है वो तो आपको पता ही है ना। अब हम पेपर के टुकड़ों को आर्ट अटैक पेस्ट की मदद से इन मसल्स पर चिपका देंगे। आर्ट अटैक पेस्ट गम और पानी को समान मात्रा में मिलाने पर बनता है। बनाए हुए खांचे को छोड़कर इन टुकड़ों को हर तरफ चिपका दीजिए। हमारी कलाकृति सूख जाने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। ये मसल्स अब बहुत मजबूत हो गए हैं, पर ये असली मसल जैसे लग तो नहीं रहे। अरे भाई, उसके लिए अभी मैं रंग लगाना बाकी है। तो उठाइए अपने ब्रशेस और इस पर रंग लगाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले त्वचा जैसा रंग पाने के लिए हल्की गुलाबी और भूरे रंग को मिलाकर बना हुआ रंग इस्तेमाल करें। मोटे ब्रश का इस्तेमाल से ये रंग लगाने का काम जल्दी हो जाएगा। फिर मसल्स को अलग दिखाने के लिए थोड़े से भूरे रंग का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका सिक्स पैक उभर कर आएगा। आपके मसल्स एकदम असली दिखने के लिए सही तरह से शेडिंग करना बहुत जरूरी है। सारे डिटेल्स को काले मार्कर से बनाइए और अगर चाहे तो हल्के गुलाबी रंग से सारी बारीकियां दर्शाएं। है ना मेरे जबरदस्त मसल तैयार लग रहे हैं एकदम असली से। ये देखिए कैसे मैंने सही तरह से शेडिंग करके इसे एकदम असली बना दिया है। और देखिए, मैंने कंधों में जो खांचे हैं उसमें रस्सी डालकर इसे बिठा दिया है। यही मैंने अपने कवर की रस्सी के साथ भी किया है, इन छेदों में रस्सी डालकर। अब देखिए मेरी पीठ कितनी मुश्किल और एकदम जबरदस्त है ना। अच्छा, आपको दूसरे जानवरों की तरह दिखना है, कोई दिक्कत नहीं, दिखा देते हैं। मैं हूं अफ्रीका के जंगल का गोरिल्ला। देखिए मेरा पेट कितना अच्छा है, इसे मैंने बनाया ढेर सारे पेपर की मदद से। और ये बाल तो देखिए, असली गोरिल्ला के बाल जैसे दिखते हैं। और मेरी पीठ, बालों की खेती है खेती। और देखना चाहोगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे शरीर के अलग अलग हिस्सों के बारे में। नहीं दोस्तों, ये कोई साइंस क्लास नहीं है। मैंने तो इंसान को कॉस्ट्यूम बनाया है। ये देखिए, है ना मजेदार। यहाँ है मेरा दिल, यहाँ है पेट
और ये है मेरे रीढ़ की हड्डी, है ना इधर मनोखा। तो चलिए अब आप ही ऐसा ही कॉस्ट्यूम बनाना शुरू कर दीजिए, अब तो मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना पड़ेगा। नमस्ते।